नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो वायरीयाणं नमो वज्छायाणं नमो लोये सर्वसाणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जाकी भक्ति प्रभाव सो कीनो ग्रंथ निवाय जिन प्रतिमा जिन सारखी नमे बनारसिताय। कविवर पंडित बनारसीदास जी विरचित समय सार नाटक गुणस्थान अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तीन गुणस्थानों की चर्चा हो चुकी है। अब चौथा गुणस्थान जो सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, संसार सीमित होना, जो भी नाम दिए जाए इसे, अनादि आकुल व्याकुल अनाक माने अत्यंत आकुल व्याकुल जीव को, सभी को ये लगता ना कि कषाय बहुत होती है, बहुत दुखी है, लोक में आजकल जो तनाव बहुत रहता है, इसके दूर करने का उपाय क्या। जगत में जितने उपाय बताए जाते हैं वे सब अस्थाई हैं निश्चित रूप से, और ये सम्यक्त्व स्थाई उपाय हैं, तनाव का, कषाय के नाश का, इन सब का। दूसरा जैसे रामबाण उपाय कहते ना, और उपायों से कदाचित हो भी न भी हो, लेकिन ये रामबाण है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो नियम से तनाव और इन सब से दूर होता ही होता है। समय सार के संदर्भ में किसी की पंक्तियां हैं, समय सार ग्रंथ के संदर्भ में, समय सार पढ़े जो कोई ताको तनाव कभी नहीं हुई, ऐसा लिखा। जो समय सार पढ़ता है उसे तनाव कभी नहीं होता है। इसको फिर पलट के कहना चाहिए, यदि तनाव हो रहा है और समय सार भी पढ़ रहा है तो कहना चाहिए अभी समय सार पढ़ा नहीं है, फिर से पढ़ो। तनाव दूर करने का उपाय सम्यक्त्व, क्योंकि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है। टोडरमल जी ने कहा ना, सुखी होने के दो उपाय हैं, एक तो हम जैसा चाहते हैं ऐसा सारा जग परिणमित हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता जाए, और दूसरा उपाय क्या है, जैसा हो रहा है उसे सहज स्वीकृत करें, हो रहा है जैसा जगत में जो कुछ हो रहा है सहज स्वीकार करें। सहज स्वीकार करेंगे तो कोई तनाव, कोई आकुलता, कोई दुख नहीं होगा। भी ऐसा ही होना है, होने योग्य हुआ है, हम क्या उसमें कर सकते हैं, सहज रह सकता है। और जो जैसा है उसे सहज स्वीकार करना उसका ही नाम है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ स्वीकार करना है, वो सम्यक्त्व है। इसलिए तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, इन सब के निर्णय पूर्वक होता है। इसलिए सारे दुखों के दूर करने का उपाय, धर्म का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक्त्व से होता है। वो सम्यक्त्व कैसा है, क्या विशेषताएँ हैं,
उस संदर्भ में पूरी विस्तार से चर्चा ले रहे हैं। 30-30 छंद है इसमें ना, सम्यक्त से संबंधित मैंने चौथे गुणस्थान के लिए 30 छंदों में इसकी चर्चा कर रहे हैं। 23वां दोहा सबसे पहले बोलिए। मिश्र दशा पूरण भई कहीं यथा मति भाकी, अब चतुर्थ गुण थान विधि कहो जिना गम साखी। मिश्र दशा पूर्ण भई, मिश्र दशा पूर्ण हो गई। कहाँ पूर्ण हो गई? कि वर्णन करने में पूरी हुई। ऐसा नहीं बनारस दास जी कह रहे हो कि मैं मिश्र दशा में आ गया था, अब मेरी मिश्र दशा पूर्ण हो गई। कहते मिश्र दशा की चर्चा पूर्ण हो गई, उसका हमने वर्णन कैसे किया? कही यथा मति भाखी, मुझे जितना बुद्धि अनुसार समझ में आया यथा मति, उसके अनुसार भाखी माने मैंने उसका वर्णन किया। अब चतुर्थ गुणस्थान विधि कहो जिनागम साखी, अब चौथे गुणस्थान की विधि वर्णन करते हैं। चौथा गुणस्थान कैसा होता है यह कहो कहता हूँ, कैसे? जिनागम साखी, जिनागम साखी माने आगम की साक्षी में, या आगम की साक्षी पूर्वक माने जैसे आगम में इसका वर्णन किया हुआ है वह उसके अनुसार मैं कहता हूँ। जब आगम में कह दिया फिर आप क्यों कहते हो? जब आगम में है ना तो इतना ही कह देते कि भी आगम में पढ़ लो, तो हम भी जा करके वहीं पढ़ लेते हैं, आप क्यों कह रहे हैं? दो बातें आती हैं, जैसे प्रमेय रत्नमाला के प्रारंभ में लिखा उन्होंने, प्रमेय रत्नमाला की रचना हमने क्यों की? उन्होंने लिखा प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती माद्रशा कनुगण्यंते ज्योतिरिंगन सन्निभा तद्वचो पूर्व रचना रुचिरम सताम, और यद्वद नत्या नवघटे जलम। वो कह रहे कि हम तो कोई खास नहीं है, हमारे पहले प्रभाचंद्र आचार्य, अकलंग देव, बहुत से बड़े बड़े आचार्यों ने न्याय की चर्चा या प्रमेय परीक्षामुख की टीका प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखी है विस्तार से, हम तो उसके सामने जुगनू के समान हैं, फिर क्यों लिख रहे हैं? तो कहते ये बात तो वही की वही है, जैसे नदी का जल नए घड़े में भर दिया जाए तो रुचिरम अच्छा लगने लगता है, स्वादिष्ट लगने लगता है, तो जल तो वही का वही है, नए घड़े में भर दिया तो उसका स्वाद बदल गया। ऐसे ही कह रहे बात तो वही है लेकिन नए ग्रंथ के रूप में सामने आता है तो थोड़ा रुचिकर लगने लगता है, लगता है कि हम नया ग्रंथ पढ़ रहे हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, अब तत्वार सूत्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तत्वार सूत्र पढ़ लिया, अब द्रव्य संग्रह पढ़ना कि नहीं पढ़ना? क्योंकि आप दोनों में देखेंगे कि विषय एक सा है। छह डाला पढ़ लिया, छह डाला में जितना पढ़ा है वही सब द्रव्य संग्रह तत्वार सूत्र सब में है, तो वही का वही है तो क्यों पढ़ते हैं? लेकिन द्रव्य संग्रह पढ़ते तो लगता है हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा, एक नया ग्रंथ पढ़ा, तत्वार सूत्र पढ़ा, विषय सब वही का वही होगा। दूसरी बात, यहां बनारस दास जी कहते हैं एक तो नए ग्रंथ में लिखने से रुचिकर होता है, दूसरी बात वे वही प्रमेय रत्नमाला में ये भी लिखा ओत प्राय मिदम, वो जो न्याय शास्त्र जो है बहुत बड़ा है और उसमें अवगाहन करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, तो उसमें एक छोटी सी नाव बना दी तो आसानी से उसमें गमन कर सकते हैं। ऐसे ही कर्णान योग गुणस्थानों की चर्चा करने वाले भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, गोमटसार से भी बड़े, और जो ये जिसमें से धवला वगैरह ग्रंथों से लिया वो उनमें बहुत विस्तार से चर्चा होगी, और उसमें प्रवेश करने के लिए वो समझने के लिए समझ लो एक छोटे से नाव के समान इसकी रचना की। और तीसरी बात
वे सब ग्रंथ प्राकृत संस्कृत में हैं। प्राकृत संस्कृत भाषा सभी को अवगत नहीं होती है, जन भाषा में लिख दिया जाए तो अधिक लोगों के लिए अनुकूल हो सकता है। जन भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि टोडरमल जी ने तो लिखा है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, तुमने तो लिख दिया ना जन भाषा में, तो चौथी बात कह सकते हैं कि वो गद्य में है, पद्य में हो तो थोड़ा और रुचिकर लगेगा, इसलिए वो पद्य के रूप में यहाँ लिख रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान का वर्णन, कहो जिनागम साखी, मिश्र दशा पूर्ण भई। कल ये भी चर्चा की थी कि क्रम 14 गुणस्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसा कोई क्रम तो है नहीं। तीसरे के संदर्भ में हम थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि तीसरे गुणस्थान वाला कहाँ जाएगा, जाएगा तो मिथ्यात्व में भी जा सकता है पहले गुणस्थान में, या फिर चौथे गुणस्थान में भी आ सकता है फिर से, माने चौथे से गया है और वापस लौट करके चौथे में आ सकता है वापस। मिश्र दशा हो रही थी, सत्यासत्य विचार, सम्यक मिथ्या तो दोनों चल रहे थे, अब वहाँ से सम्यक प्रकृति का उदय रहे या फिर से उपशम करे तो वापस वह चौथे गुणस्थान में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि ही होवे। तो तीसरे से मिश्र दशा पूर्ण भई, तीसरा का काल पूरा हुआ तो चौथे में आ सकता है, नियम तो नहीं है लेकिन आ सकता है चौथे में, या वर्णन करने की अपेक्षा आप चौथे गुणस्थान का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। 23वें छंद का अर्थ, अपने क्षोपशम के अनुसार मिश्र गुणस्थान का कथन समाप्त हुआ, अब जिनागम की साक्षी पूर्वक चौथे गुणस्थान का वर्णन करता हूँ। बोले एक बार छंद बोलिए, 23वां, फिर लगातार 24वां। कई जीव समकित पाई, कुछ जीव समकित पाते हैं, कब पाते हैं इसकी चर्चा पहले कर रहे हैं। और कई जीव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनंत अनंत जीव राशि है, और अनंत अनंत जीव राशि में से सचमुच में ही, जैसे लोक में कहा जाता है कि बहुत अच्छे लोग उंगलियों में गिनने जैसे हैं, गिनती के ही लोग हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि भी उन सब में बहुत अल्प है, इसलिए कई जीव, कुछ जीव, भली होनहार है जिनकी, संसार का किनारा जिनके निकट आया है, ऐसे कई जीव समकित पाई, कब पाएंगे, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ताई चोखे हुई चित्त के। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जिनका शेष रह गया होगा, तब कई एक अंतर मुहूर्त में, या किन्हीं का अंतर मुहूर्त मात्र रह गया हो। अरे कितनी विचित्र स्थिति है, जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन, दोनों का कोई एक दूसरे से मेल ही नहीं है। अंतर मुहूर्त कितना सा और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना, अरे सागरोपम, सागर बहुत कम सागर हुए, सागर तो बहुत लंबा काल है, यद्यपि
द्रव्य परावर्तन सबसे पहला पुद्गल परावर्तन है, सबसे छोटा ही है, लेकिन उसका आधा भी बहुत विस्तृत है। कितने कितने सागर होते होंगे नहीं कह सकते हैं, अनंत अनंत सागर, अनंत तो नहीं कह सकेंगे हाँ, लेकिन बहुत लंबा काल है उसमें अर्धपुद्गल परावर्तन का। मैं इतने काल तक भी भ्रमण कर सकता है, और कोई जीव ऐसा है कि वो तत्काल अंतर्मुहूर्त में ही। और फिर इसके लिए पांचवी पंक्ति में लिखा, पांचवी छठवीं में, ताते अंतर्मुहूर्त सो अर्धपुद्गलो जेते समय होई तेते भेद समकित के। इसलिए वहाँ से अंतर्मुहूर्त से लेकर के पूरे अर्धपुद्गल परावर्तन तक जितने समय हैं उतने भेद हम कह सकते हैं। तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक लिया। अंतर्मुहूर्त वाले को तो जब अंतर्मुहूर्त में मोक्ष ही जिसे होना है, और बिना सम्यक के तो होता नहीं है। ये इधर सब इधर आ जाओ, ये मुझे खाली खाली दिखता है, उठो उठो इधर से, सब इधर आ जाओ सामने, इधर बीच में आ जाओ ना सभी, और इधर ही बैठा करो इस तरफ से। ये तो मुझे इसको लगा करके ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तिरछा, अभी भी ये खाली छोड़ के क्यों बैठते, पहले सामने बैठना चाहिए ना। पांडे राजमल जी ने चौथे पांचवें कलश की टीका में लिखा है, इस जीव को कब सम्यक दर्शन होगा ये केवल ज्ञान में नोंद है। और दूसरी तरफ लिखा कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर ये जीव समकित रूप परिणमित होगा, निश्चित होगा। अब वो उसको काल लब्धि से जोड़ रहे हैं, इसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है तो निश्चित सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, इसकी काल लब्धि आई है। उससे पहले वो चाहे जितनी कोशिश करे तो भी सम्यक प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी काल लब्धि अभी नहीं आई है। वहाँ उत्कृष्टता की अपेक्षा से लिया, तो किसी का अंतर्मूर्ति रह गया हो शेष, अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत लंबी बात हुई, वो तत्काल अभी अंतर्मुहूर्त में मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कोई स्पेशल किन्हीं जीवों को फैसिलिटी हो भाई, कोई वीआईपी हो, वीवीवीआईपी हो, और उनके लिए ऐसी फैसिलिटी हो, ये कोई बात नहीं है। आपने सम्यक प्रकट नहीं आ कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अंतर्मुहूर्त में आप मोक्ष प्रकट कर लेना। के लिए ऐसा कहीं कौन फैसिलिटी कौन देगा, किसने दी है, किसने बनाई है, कोई बनाने वाला है मार्ग, कोई फैसिलिटी देने वाला है, ये तो सहज प्रकृति है। तो प्रकृति का नियम सभी को फॉलो करना ही है, हाँ बस किसी को अधिक समय लग सकता है, किसी को कम समय लग सकता है, लेकिन मार्ग सम्यक दर्शन से होकर के ही होगा। तो सम्यक दर्शन होने के बाद कोई अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण करता है, कोई अंतर्मुहूर्त में ही कर लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन करने वाला इतने काल तक क्या करता रहता है, वो नियम से सम्यक से भ्रष्ट होता है और फिर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब उसे मुक्त होना है तो पुनः सम्यक पे आना ही है, सम्यक प्रकट करके फिर इस मार्ग पर चलना है। और अंतर्मुहूर्त वाले ने एक बार सम्यक प्रकट कर लिया और आत्माश्रित पुरुषार्थ ऐसा जागृत किया कि उसके माध्यम से तत्काल मोक्ष प्रकट कर लिया। वो तत्काल का अर्थ भी तत्काल नहीं है और अंतर्मुहूर्त का अर्थ भी अंतर्मुहूर्त ही मात्र नहीं है। कितने आठ अंतर्मुहूर्त, आठ लगते हैं, आठ वर्ष के, लेकिन आठ वर्ष उम्र के चले गए, जब भी सम्यक हुआ वो सम्यक होते ही अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, इसके दृष्टि से बात की। और पुनस्थान विवेचन में पीछे पीछे एक दिया हुआ है प्रकरण, माने कैसे एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष तक का मार्ग, मुक्ति की प्राप्ति एक अंतर्मुहूर्त में कैसे होती है। और फिर उसमें से आठ अंतर्मुहूर्त दिए हैं, पहले अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्रकट करेगा,
फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे करते करते 8 अंतर्मुहूर्त है। और फिर बाद में लिखा कि 8 अंतर्मुहूर्त मिल करके, ये सब मिल के भी एक अंतर्मुहूर्त कहा जा सकता है। ये सबको भी माने समझ लो, ये छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त हैं और उन सबको मिल करके भी एक अंतर्मुहूर्त कहा जा सकता है, इसलिए अंतर्मुहूर्त प्रमाण भी जिसके होगा। पुद्गल की सबसे अधिक गति, पुद्गल की सबसे अधिक गति कितनी है? एक समय में 14 राजू, एक समय में वो कितनी तीव्र गति होगी? वो यहाँ कितनी भी तेजी से रॉकेट बनाए, कुछ भी बनाए, कोई बना नहीं सकता है, बनाई नहीं, वो बनाने की कोई बना नहीं सकता है, लेकिन उसमें गति इतनी है। और एक समय किसे कहते हैं? समय का नाप कैसा दे, समय को कैसे नापा जाता है? काल का विभागी, लेकिन नापते कैसे उसे? एक एक परमाणु एक प्रदेश से बाजू के प्रदेश में वो गमन करता है, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करने में नज़दीक के लगे हुए उसमें जो काल लगता है उसको एक समय कहते हैं। अब एक परमाणु यहाँ से इधर आ रहा है, उसे एक समय लग रहा है, और एक 14 राजू पूरा का पूरा गमन कर रहा है। 14 राजू में प्रदेश कितने हैं? 14 राजू में नीचे से लेकर ऊपर तक कितने प्रदेश? असंख्यात, असंख्यात, क्योंकि वो असंख्यात ही प्रदेश होते हैं, इसलिए असंख्यात प्रदेश। अब वो एक समय में जा रहा है और दूसरे को एक एक समय करते जाते तो असंख्यात समय लगते हैं, लेकिन उसकी तेज गति कितनी? एक समय में पूरे 14 राजू उसने पार कर दिए, कितनी तेज गति होगी उसे? को वो पुद्गल परमाणु को कोई ऐसा सोच करके, वो रेस लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए और कोई मुझसे आगे नहीं हो, लेकिन वो सहज कोई परमाणु में ऐसी शक्ति होती। ऐसे ही कोई जीव सम्यक तो प्रकट करके मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण कर सकता है, बहुत लंबा काल लगे। और दूसरा अंतर मुहूर्त में, तो अंतर मुहूर्त वाले के पुरुषार्थ की कल्पना करो, कितना तीव्र, कितना उग्र पुरुषार्थ होगा, क्या कर रहा होगा? स्वसन्मुखता के अलावा और कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं है मोक्ष मार्ग के लिए, बस स्वरूप की लीनता, बस स्वरूप में लीन है। तो उसके माध्यम से कोई ने दोनों जीवों में से ऐसा सोच करके किया होगा ना कि भाई हम तो आराम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल वाले में चलेंगे शांति से, जैसे जाने में कोई पैसेंजर गाड़ी पकड़ता है, कोई एक्सप्रेस गाड़ी लेता है, कोई नॉन स्टॉप लेता है, एक कोई फ्लाइट से ही चला जाता है। अब वो फ्लाइट में भी कोई चार्टर प्लेन अपना सीधा, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कहीं, तो सबके अपने अपने, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सोच करके करता हो ऐसा नहीं है। वो उसके समझ लीजिए उसकी होनहार जिसकी जिस प्रकार की होती है उसके अनुसार। पुनः देखिए, कई जीव समकित पाई अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ताई, चोखे हुई चित्त के, सम्यक प्रकट करने के लिए चित्त के चोखे होना तो जरूरी है। चित्त चोखा हुए बिना तो काम नहीं चलेगा। चोखा माने अच्छा, सम्यक दर्शन जैसी पवित्र वस्तु गंदे स्थान में तो रह नहीं सकती है। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा माटे सेवो, वहां तो ब्रह्मचर्य की बात की है, ब्रह्मचर्य मतिमान। तो सम्यक दर्शन जैसा पवित्र कार्य हो रहा है तो वह गंदे चित्त में नहीं हो सकता, मलिन चित्त में नहीं हो सकता है। चित्त होई चोखे होई चित्त के, चित्त के चोखे होकर के जब अर्ध पुद्गल कान परावर्तन रह जाए और कई एक अंतर मुहूर्त में या अंतर मुहूर्त मात्र में गंठी भेदी, गंठी भेदी, गांठ भेद करके, कौन सी गांठ? समय सार के चौथी गाथा की टीका में, चौथी गाथा की टीका में ही चौथे में शायद जो लिखा ना कि
केले के मूल की भांति जो पुष्ट हुई है, वो मोह रूपी गांठ केले के मूल की भांति, माने केले का पेड़ जो उस गांठ से फिर नया पेड़ पैदा करता है, तो सभी पेड़ अपने अपने आगे परंपरा चलती रहे इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। फलों में, वृक्ष में फूल आना, फिर उससे फल लगना, और फल में बीज पड़ना। बीज किसके लिए? वो बीज से फिर आगे उसका वृक्ष चलता रहे। तो केले की गांठ, और उस गांठ से फिर नया पेड़ उगेगा, तो वो गांठ जैसे पुष्ट होती जा रही है ताकि आगे नए केले के वृक्ष और आगे बराबर बढ़ते रहे। ऐसे हमने मोह की गांठ अनादि से बहुत पुष्ट करके रखी है, गांठ बांध के रखी है। दूसरा में गांठ शब्द आता है ना, तो दूसरा इस तरह से उदाहरण देता हूं। जैसे ये ठंड के दिनों में माताएं बहने स्वेटर बुनती है ना, अब आजकल तो सब रेडीमेड हो गए, दिन पहले ऊन के स्वेटर बुनते थे, और स्वेटर बुने किसी के लिए, अब बुन करके उनको दिखाया, अगले डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो क्या करो? ये कोई बात नहीं है, फिर से दूसरी डिज़ाइन बना देंगे, अब तो ये तो बन तो गया, ये कोई चिंता नहीं है, इसको तुम खोल दो, उकेल दो, तो उकेल दो तो हम वापस इसे दोबारा बना देंगे। तो आपको यदि उकेलने के लिए दिया जाए ना, तो आप उकेल नहीं सकते हो, और उकेलने की कोशिश करोगे तो और उलझा के रख दोगे पूरा का पूरा, पूरा ऊन खराब हो जाएगा। केले तो हमसे नहीं खुल रहा है, केले बहुत आसान है, धागा पकड़ो और आसानी से खींचते चले जाओ, खुलता चला जाएगा पूरा, पकड़ो और खींचो। तो आपको नहीं मालूम कहाँ से खींचना है, आप कहते वो जब पूरा स्वेटर बुन लेते हैं तो एक लास्ट में उस पर गांठ लगा देते हैं। अब वो गांठ खोल दी, और गांठ खोलने के बाद फिर बिल्कुल इशारे से वो पकड़ करके खींचते चले जाओगे तो पूरा स्वेटर जो है खुल करके खुला हो जाएगा। लेकिन गांठ कहाँ लगी है, वहाँ से वो गांठ खोलने की ज़रूरत है। गांठ नहीं खोली तो लाख कोशिश करना, बिना गांठ खोले वो नहीं खुलने वाला, और ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे तो उलझते और चला जाएगा। तो गांठ खोलना ज़रूरी है। तो गांठ नहीं खोली, पर ऐसे ही हमने भी क्या किया है, घर मेरा, कुटुंब मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा, राग द्वेष मेरे, कर्म मेरे, ये इन सारे पर पदार्थों को मेरा मेरा करके मोह निरंतर पुष्ट किया। जो मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, वो मोह तो चला ही आ रहा है, पोषे चिर दर्शन मोह एव, वो को गुरु कुदेव की दृष्टि से कहा, माने हम निरंतर प्रति समय जो एकत ममत्व के परिणाम कर रहे हैं पर में देह में, उनके माध्यम से इस मोह को और पुष्ट करते जा रहे हैं। ये मैं, ये मेरा, धर्म के नाम पर जो क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं के करने के बाद फिर ये अहम करते हैं कि ये मैंने किया, और मैंने किया ऐसा करके जो कुछ किया उसमें मिथ्यात्व की गांठ और अच्छी तरह से पुष्ट करते धर्म के नाम। स्वाध्याय करके भी ऐसे ही करें, किया स्वाध्याय और फिर अहम करें कि मैंने किया, अब मैंने किया करके समझ लीजिए फिर गांठ बांध दी। अब ये जो गांठ बंधी हुई है, ये अहम की गांठ बंधी हुई है, ये कर्तृत्व की गांठ बंधी हुई है, ये मोह की गांठ अच्छी तरह से पुष्ट कर दी गई है। अभी वो जब तक नहीं भेदी जाएगी, वो गांठ, गांठ को भेदना कहो चाहे वो गांठ यदि बांधी गई है तो खोलना कहो, वो जब तक नहीं खुलेगी तब तक उस एक मोह कर्म का और अन्य कर्मों का खुलने का, अन्य कर्मों के अलग होने का, संवर निर्जरा का अभाव होने का मार्ग खुलता ही नहीं है। जैसे किसी
बर्तन में किसी में भी हमने कोई चीज भर दी और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, और ढक्कन बंद करने के बाद में उसे निकालने के लिए बिना ढक्कन खोले चाहे जितने उल्टा सुलटा करते रहे निकालने के लिए तो नहीं निकाल सकते हैं, ढक्कन खोलना जरूरी है। ढक्कन खोलने के बाद जितना टेढ़ा करोगे थोड़ा सा भी तो उसमें से चीज़ बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जितना टेढ़ा करते जाओगे बहुत ज़्यादा हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जरूरी है। ऐसे ही मोह की गांठ वो लगी है तब तक कोई उपाय नहीं है, इसलिए मोह की गांठ जो भेदेंगे तो कई एक अंतर मुहूर्त में गंठी भेदी मार्ग उलंघी सुख वेदे मोख वित्त के। मार्ग जो अनादिकाल से संसार का मार्ग चला रहा था उस मार्ग का उल्लंघन करके सुख का वेदन करते हैं, कौन से मोख वित्त के। ये वित्त का अर्थ थोड़ा सा नमूने के रूप में दिया, वित्त शब्द से कैसे निकाला पता नहीं, नमूना समझ लीजिए, माने मोक्ष सुख, मोक्ष वित्त मोक्ष रूपी सुख, उसका जो एक नमूना सैंपल उसके सुख का वेदन करते हैं। माने चौथे गुणस्थान वाला सिद्ध भगवंतों को कैसा सुख होता है उस सुख का एक अंश अनंतवा भाग ही सही, लेकिन उसी जाति का सुख वह उस समय वेदन करता है। मार्ग उलंगी सुख वेदे मोख वित्त के, ताते अंतर मुहूर्त सो अर्ध पुद्गल नो जेते समय हुई, इसलिए अंतर मुहूर्त से लगा करके अर्ध पुद्गल तक जितने समय होते हैं तेते भेद समकित के, वैसे भेद करो किसी को कितने काल में हुआ किसी को कितने काल में हुआ, अंतर मुहूर्त से कम किसी को लगेगा नहीं और अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक किसी को लगेगा नहीं, इसलिए इसके बीच में जितने हो उतने प्रकार से उतने काल में सम्यक प्रकट करने वाली जीव हो सकते हैं। जाही समय जाको जब समकित होई, जिसको जिस समय हो जाए इतने से अंतर मुहूर्त से लगा करके अर्धपुद्गल तक, तब ही सो गुण गहे दोष दहे इतके, तभी से लेकर के गुण ग्रहण करता है और दोषों को नष्ट करता है। ये लगता है बुंदेलखंडी का भी पुट आ गया इसमें, कहाँ के दोष नष्ट करता है इतय के, उतय के तो गुण प्रकट करते हैं और इतके माने इत के अर्थ के यहाँ के संसार की लिखा उसको, संसार के मतलब है यहाँ के, यहाँ जो अभी संसार में है उसके दोषों को देहता है। तब ही सो क्या सम्यक, क्योंकि आगे 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 और महिमा सब करने वाले हैं, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। जैसे फूल कली खिलती है धीरे धीरे ही सही, वो खिलना प्रारंभ होती है वहीं से उसकी सुगंधि शुरू हो जाती है, ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। बस गुणों का बढ़ना, गुण और दोष नष्ट होते जाएंगे, और सम्यक तो जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक कहने को गुण ग्रहण करने की कोशिश भी करेगा, ग्रहण किए जैसे लगेगा भी फिर छूटने वाले हैं रहने वाले नहीं हैं, लेकिन सम्यक तो हुआ वहीं से लेकर के गुणों का ग्रहण करता जाएगा और संसार के सारे दोष धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। नीचे अर्थ पढ़ता हूँ फिर से एक बार छंद पढ़ेंगे। जिस किसी जीव के संसार संसरण का काल अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन और कम से कम अंतर मुहूर्त शेष रहता है, वह निश्चय सम्यक दर्शन ग्रहण करके चतुर्गति संसार को पार करने वाले मोक्ष सुख की वानगी लेता है। अंतर मुहूर्त से लगाकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल के जितने समय हैं उतने ही सम्यक्तु के भेद हैं। अब ये सम्यक्तु के भेद वो आगे और भी भेद बताने वाले हैं, लेकिन उस अपेक्षा ये भेद नहीं है, ये भेद सिर्फ किसने कितने काल में सम्यक प्रकट किया और उस अपेक्षा से ही भेद समझना। जिस समय जीव को सम्यक प्रकट होता है तभी से आत्मगुण प्रकट होने लगते हैं और सांसारिक दोष नष्ट होते जाते हैं। बोलिए पुनः एक बार छंद।
सम्यक तो प्रकट कैसे होता है ये अगले छंद में बोलते हैं, 25वां छंद। अध अपूर्व अनिद्रति त्रिक करण करे जो कोई, मिथ्याघंटि विदारि गुण प्रगटे समकित सोई। त्रिकरण पूर्वक ही सम्यक्तु की मिथ्यात्व की ग्रंथि भेजी जाती है, करण लब्धि पूर्वक। करण लब्धि ऐसे तो और पीछे जाओगे तो 5 लब्धि आवश्यक हैं, और उन 5 लब्धियों में से अंतिम करण लब्धि। 4 लब्धियों के लिए तो टोडरमल जी ने लिखा कि ये तो अनेकों बार जीव चौथे लब्धि तक, प्रायोगिक लब्धि तक अनेकों बार आ जाता है, लेकिन करण लब्धि में नहीं गया तो सम्यक तो नहीं प्राप्त करता। करण लब्धि में गया तो नियम से सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। तो वे करण 3 हैं, और ऐसे 3 करण पूर्वक ही करण परिणाम है, आत्मा के परिणाम। तो वह 3 प्रकार के परिणाम, चूंकि अनादिकाल से, और समझदार कोई व्यक्ति होता है ना, समझदार व्यक्ति को थोड़ा सा समझाओ, जो समझदार को इशारा काफी कहते हैं ना, वो समझ जाता है। लेकिन जो ना समझ हो, अड़ियल हो, अब उसे कितना समझाओ जल्दी मानता नहीं है, तो बार बार समझाना पड़ता है बहुत मुश्किल से। ऐसे समझ लो जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोह वाला मिथ्यात्व है, वह बहुत हठ वाला है, आसानी से नहीं जाता। इसलिए वो 3 प्रकार के परिणाम करण पूर्वक ही मोह को दूर करने के लिए ये 3 करण से, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अध अपूर्व अनिवृत्ति संक्षेप में ऐसा लिखा, त्रिक करण, ये 3 करण, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो तो वे विस्तार से कहाँ देखेंगे, गोमटसार में देखे, गुणस्थान विवेचन में देखे, और मोक्ष और प्रकाशक में देखे, 7वें अधिकार सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि में। ये पूरे 5 लब्धियों का प्रकरण, उसमें करण लब्धि का बहुत सरल शब्दों में वर्णन किया हुआ है। अधक करण, अपूर्व करण, इन 3 करण करे जो कोई, जो कोई ये 3 करण करेगा, मिथ्या गंठि विदारी, वह मिथ्यात्व ग्रंथि को भेद करके, मिथ्यात्व की गांठ को नष्ट करके, गुण प्रगटे समकित सोई, वही सम्यक्त्व प्रकट करता है। सम्यक्त्व नाम का गुण, इसको आत्मानुभव अर्थ किया नीचे, आत्मानुभव गुण प्रकट होता है और वही सम्यक दृष्टि होता है। गुण प्रगटे, आत्मानुभव प्रकट होता है और वही समकित, वह सम्यक दृष्टि है। 3 करण जो करता है वो, तो चले अपन भी 3 करण करते हैं, क्या करना पड़ेगा 3 करण करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? अरे वो नहीं कर सकते हैं, नहीं हम करेंगे ना, क्या है वो, कौन सा शब्द, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या है, मैंने इम्पॉसिबल शब्द जो है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द किसने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन ने किसी ने कहा था ना, है ना, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, कोई ये नहीं कर सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। तो कोई कहेगा करण क्यों नहीं कर सकते हैं, जिद करो तो सब कर सकते हैं, सब किया जा सकता है, तो हम कर सकते हैं, तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे? टोडरमल जी ने इसलिए बहुत बढ़िया बात लिखी, ये जो 3 करण होते हैं ये सहज होते हैं। जीव को क्या करना पड़ता है, अपने उपयोग को तत्व विचार में स्थिर करना पड़ता है। अपने उपयोग को तत्व विचार में लगा के रखो, उस तत्व विचार में लगे हुए उपयोग की स्थिरता से ये सहज होते हैं, करने से नहीं होते, कोई करने जाएगा तो नहीं होंगे। बस इन सब से प्रक्रिया सब समझ ली, क्या होता है कैसे होता है सब समझ लिया, लेकिन सब समझने के बाद में वह अपना तो सबसे उपयोग हटा करके तत्व चिंतन में उपयोग लगाएंगे, वो जो जो होना है, अधकरण, अपूर्वकरण, जिस जिसमें जो जो होना है उसमें। ऐसे भी लिखे,
अधकरण में ये आवश्यक होते हैं, फिर अगले जाकर के ये आवश्यक होते हैं। तो आवश्यक माने हमें तो कहेंगे अवश्य करने योग्य, तो वहाँ उन्हें अवश्य होने योग्य, माने ये अवश्य होंगे, वो कार्य होंगे, तो बोले वे तो आवश्यक है तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए कुछ नहीं करना है। ये तो अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाते हैं, बाकी जो प्रक्रिया है वह सहज होती रहती है। कर्मों के परिवर्तन की प्रक्रिया है, कर्म के परिवर्तन की, तीनों करणों में निमित्त की अपेक्षा से कर्म के उदय के कारण जीव को सम्यक प्रकट नहीं हो पा रहा है। दर्शन मोनी मिथ्यात्व का उदय निरंतर चल रहा है, उदय चला जाए तो सम्यक प्रकट हो, तो कैसे चला जाए, कैसे दूर होगा, क्या उपाय है उसका, तो कर्म को इधर उधर करने के लिए तीन प्रकार के कर्म, ऐसे मिथ्यात्व ग्रंथि को भेदेगा तब सम्यक प्रकट होगा। अर्थ 25वें छंद का, जो अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्व का अनुदय करता है उसे आत्मानुभव गुण प्रकट होता है। ये आत्मानुभव सोनगढ़ वालों की आदत ही खराब है, वो गुण शब्द आ गया तो आत्मानुभव जोड़ दिया उसे, कि आत्मानुभव होता है क्या, जरूरी है क्या, गुण प्रकट हुए असम्यक तो हुआ। और ये जो अर्थ किया है वो कोई सोनगढ़ी ने नहीं किया है, ये तो बुद्धिलाल श्रावक का ना, बुद्धिलाल श्रावक उनने किया है, उनका अनुवाद वैसे के वैसे छापा है, भाषा अनुवाद किया उन्होंने नीचे, उन्होंने लिखा आत्मानुभव, तो आत्मानुभव से ही सम्यक्त होता है। और भी नीचे जहाँ आत्मा शब्द नहीं है वहाँ फिर भी वो आत्मा शब्द, अभी अगले ही 27वें छंद में आत्मा शब्द नहीं है, वहाँ फिर वो आत्मा शब्द लिखते हैं। तो आत्मानुभव पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग होता है, ये जिनवानी का कथन है। इस तरफ से दृष्टि लोगों की हट रही थी और क्रियाकांड की तरफ जा रही थी, इसलिए गुरुदेव ने पुनः इस पर जोर दे करके कहा, और उसको जोर देने के लिए कभी कभी दूसरी बात का निषेध करना पड़ता है, इसलिए उसका निषेध की भाषा में भी कहा ताकि इधर ध्यान लोगों का आवे। लेकिन ये नया प्रारंभ किया ऐसा नहीं है, ये जिनवानी में से ही निकाल के, तो जो भी आध्यात्मिक दृष्टि से कथन करेगा उसे आत्मा लेना ही पड़ेगा, बिना आत्मा के अध्यात्म की क्या चर्चा होगी, वास्तविक मोक्ष मार्ग की क्या चर्चा होगी। बोलिए छंद 25वां, अगले छंद में बता रहे हैं बनारसीदास जी कि मैं सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहा हूँ, आठ बातों को लेकर के करूँगा, वो कौन सी आठ बातें हैं उसके लिए एक छंद लिख दिया अलग से, कि मैं अब इन आठ बातों को लेकर के सम्यक दर्शन का वर्णन क्रम से आगे कर रहा हूँ। वो आठ बातें कौन कौन सी, 26वां छंद बोलिए। विवरण वर्णो तास, तास विवरण वर्णो, उसका वर्णन मैं इस प्रकार से करता हूँ, किस किस प्रकार से, पहला जो संकित शब्द लिखा है वो स्वरूप के लिए है, सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, फिर दूसरा उत्पत्ति कैसे होती, उत्पत्ति चिन्ह, पहले स्वरूप कहा फिर चिन्ह कहा, फिर लक्षण क्या है उसका, तो अलग अलग लिया, स्वरूप अलग लिया और चिन्ह अलग लिया, फिर गुण, उसके गुण क्या है, और फिर भूषण, और वह कैसे भूषित होता है, उसके और विशेष आभूषण जैसे उनमें और क्या विशेषताएं। गुण तो ऐसे होते हैं कि जो समझ लीजिए एक तरह से अनिवार्य जैसे होते ही हैं प्रकट, और किसी किसी में और विशेषता चमक आती है तो वे भूषण कहलाएंगे। दोष क्या है सम्यक्त्व में, और उसका विनाश कैसे होता है, किसके कैसे नष्ट होगा सम्यक्त्व, और अतिचार क्या है सम्यक्त्व में, अतिचार में दोष लगते हैं, ये ऊपर के दोष अलग है,
अतिचार वाले दोष अलग हैं, अतिचार के कारण सम्यक तो नष्ट नहीं होगा, सम्यक तो बना रहेगा लेकिन उसमें अतिचार लगेंगे। जुत इन सहित अष्ट विधि आठ प्रकार से आठ बिंदुओं को लेकर के वर्णों विवरण तास उसका वर्णन क्रम से करते हैं। जिसका वर्णन करना है वो पहले बता दिया तो अच्छा रहता है न। द्रव्य संग्रह में भी जीव का वर्णन जो नौ अधिकार शब्द दिया उसमें नौ अधिकारों से किया, नौ विषयों को लेकर के किया तो एक गाथा अलग से उसके लिए लिखी और उसमें उसका स्वरूप भी आ गया एक तरह से, उसमें तो वो स्वरूप भी आ जाता है, इसमें तो अकेले नाम ही नाम है। जीवो उवो गमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोता संसारत्तो सिद्धोसो विश्व सोड़ गई, और ये जैसे शब्द दिए हैं वैसे ही वैसे आगे क्रम से उनका भी वर्णन किया। तो यहाँ इस तरह से आठ बातों को लेकर के आगे वर्णन करने वाले हैं जिसमें से एक की चर्चा लेकर के अपन पूरी करते हैं। सम्यक्तु का स्वरूप बोलिए। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी, जिसकी सत्य की प्रतीति रूप अवस्था हो गई है। अब सत्य की प्रतीति क्या है? सत्य आविष्कार हिंदी में किया, आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति। भेद विज्ञान यथार्थ स्वरूप, कह रहे अकेले जगत को जानना उद्देश्य नहीं है, जगत को जान करके उसमें से अपनी आत्मा को अलग निकाल करके और उसका आश्रय करना है, इसलिए सत्य प्रतीति जगत की सत्य प्रतीति हुई। जब कभी झगड़ा किसी से होता है, कोई किसी की बात नहीं मानता है, कोई साथ नहीं देता है, तो कहते हैं ना हम सबको देख लिया, पहचान लिया, कौन कैसा है सब पहचान लिया। जब जब हम ऐसा कहते हैं तब तब हमारा सारा ध्यान दूसरों की तरफ रहता है। वो कोई ये कहे तुमने पहचान लिया ना सबको, अपने आप को पहचाना कि नहीं पहचाना, वो अपने आप को पहचानो सम्यक दर्शन वाली बात नहीं, वो लौकिक दृष्टि से भी तुम ये कह रहे हो कि ये मुझे नहीं साथ देते हैं, इतनी माने मैं इतने संकट में हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, सबसे कह के देखा, अब मैंने अच्छी तरह पहचान लिया, पहचाना ना सबको ये कोई साथ नहीं देता है। तुमने अपने को पहचाना, तुमने कितना साथ दिया है, तुमने किसी का कितना सहयोग किया, जब किसी को दिक्कत हुई थी तुम खड़े थे क्या, गए थे क्या, अपना विचार करो, अपने को देखोगे तो पता चलेगा क्यों नहीं खड़े हुए तुम्हारे साथ में। और तुम उनके साथ खड़े होते, सौ के साथ खड़े होते तो एकाध तो तुम्हारे साथ खड़ा होता, और तुम तो किसी के उसमें नहीं गए हो तो क्यों आएगा तुम्हारे इसमें। तो वो अपने को पहचानो, तो अपने को पहचाना कि नहीं, मैं सारा जगत पहचान लिया, ये सत्य स्वरूप प्रतीति, सत्य प्रतीति हुई है। तो अकेले जगत की प्रतीति की बात नहीं है, जगत की यदि प्रतीति भी हुई है इतनी होती है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, इनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरा किससे संबंध है, ये अंदर निर्णय हो जाए तो सत्य प्रतीति। इसलिए आत्मस्वरूप की सत्य प्रतीति जहाँ हुई है, दिन दिन रीत गहे समता की, फिर समता की रीति ग्रहण करता है, प्रतिदिन समता भाव बढ़ता जाता है। कभी तो पर से जुड़ा हुआ था ना, इसलिए विषमता बढ़ती थी, राग द्वेष बढ़ते थे, अब अपने से जुड़ा है तो समता भाव बढ़ता जाता है। छिन्न छिन्न करे सत्य को साको, सत्य का ही साथ करने से, इसका नीचे अर्थ किया, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाता जाता है, छिन्न छिन्न क्षण क्षण अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाता है। समकित नाम कहावेता को, वो सम्यक तो कहलाता है। ये स्वरूप बताया उसका, लक्षण फिर आगे अलग से बताएंगे। बोलिए एक बार और छंद बोलिए। हम भी अपने परिणामों को ऐसे करने का प्रयास करें।
ताकि सम्यक्तु की उत्पत्ति हमें शीघ्र हो सके।